11 साल का बच्चा इतना छोटा, ज्यादा उम्र नहीं है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, और इतनी बड़ी चाहत, मतलब इसे गॉड गिफ्ट बोले या हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। तो आज का भी थंबनेल और टाइटल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, हमारे बिहार के जो अभी चहेता हैं, सबके दिलों में बसे हुए हैं, क्या नाम है उसका जी? सोनू कुमार। सोनू कुमार। इतना छोटा सा एज, अभी मात्र 11 साल का है, और सच में उसकी बातें सुन करके बिलीव नहीं होता है कि इतना छोटा सा बच्चा इतने अच्छे तरीके से बोल सकता है, इतना हिम्मत रख सकता है, पढ़ने की चाहत रख सकता है। आप कुछ कहना चाहिएगा उसके बारे में? आपको कैसा लग रहा है कि हमारे बिहार के बच्चे इस तरीके नहीं से? सब देखिए, अगर बात किया जाए तो हमारे बिहार में वो अकेला सोनू नहीं है, उसके जैसे बहुत सोनू है, लेकिन और सामने नहीं आ पाता है क्या? सामने नहीं आ पाता। कारण है कि किसी के पास इतनी हिम्मत है नहीं वो कि किसी बड़े लोगों से अपना कुछ चाहत रखे। वो संयोग था कि जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उस समय उस एरिया में थे, और उस बच्चे को ऐसा लगा कि हमें कुछ रखना चाहिए, उनके सामने कुछ बोलना चाहिए। 11 साल का बच्चा इतना छोटा, ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, और इतनी बड़ी चाहत, मतलब इसे गॉड गिफ्ट बोले या भगवान का कोई अवतार बोले, कि उस क्या उसके दिमाग में क्या आई कि वो चला गया और अपने सीएम से, अपने मतलब मुख्यमंत्री जी से उस तरह से बात बोला, सर सर करके बात कर रहा था, तो एक बहुत बड़ी बात है। इसकी बात तो सुनकर के नहीं लगता है 11 साल का हाँ, बच्चा, क्योंकि ऐसा 11 मुझे फील नहीं साल हुआ कि वो 11 साल का बच्चा है। ऐसा लगा कि मतलब एक मैच्योर्ड आदमी इस तरह से वो बात कर रहा, जिसे लग रहा कि उसके पास कितनी मैच्योरिटी है कि वो इस और तरह से बात कर रहा है लोगों से। कोई भी इतने बड़े बड़े लोग, मीडिया वाले भी गए, हमारे बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप सर भी गए उसके पास, और उसे ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अपने से बड़े लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इतना अच्छे से बात किया कि कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ बिहार, मैं ऐसा मानता हूँ उसको। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि बहुत बच्चे होंगे, ठीक है, इस टाइप में कि चाहत रखते होंगे, कुछ अपने माँ बाप के डर से, कुछ आस पड़ोस के डर से नहीं बोल पाते, आगे नहीं आ पाते हैं। क्या गलत कह रही हूँ मैं? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। डर डर एक अलग चीज़ है। डर को आप बच्चे, अभी 11 साल के बच्चे की उम्र को क्या शर्म है, क्या डर है, क्या नहीं, उसे क्या पता वो कि क्या करने जा रहा है। होता है क्योंकि हमारे जाए कहीं ना कहीं, देखिए हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें सिखाते हैं कि नहीं, बच्चे हैं तुम इस तरीके से नहीं बात करो, तुम ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलोगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता है? देखिए, ये नहीं चीज़ बा, सिखाया बा, जाता बात है। सही है, मैं आपके बात को निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बचपन से एक डर पैदा किया जाता है। वो क्या था, पढ़ने का इच्छुक बच्चा, और उसके वो अपने घर में बोलता है मुझे पढ़ाई करना है, तो वो चीज़ें उनके पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं डांटते तो मेरे नहीं, ख्याल डांटे से, नहीं बोले, मतलब ये बोले मैं, डायरेक्टली कोई बच्चा इतना हिम्मत नहीं रख पाता है कि वो बोले कि हमारे पिताजी ड्रिंक करते हैं, वो हमें नहीं पढ़ाना चाहते, हमें नहीं पढ़ा सकते हैं। ये इतना हिम्मत सब में नहीं होता है। होता है, नहीं देखिए, चाहत रह, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, हर एक के मन में चाहत होती है हम ये करें वो करें, लेकिन सब नहीं, जहाँ जब तक डर बना है, जब तक हम डर को नहीं भगाएंगे अपने अंदर से, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी हो। जब उस वो बच्चा क्या किया, वो अपने अंदर का डर भगाया, तभी आज वो चाहत रखा है पढ़ने का, तो वो पढ़ सकेगा, पढ़ेगा। लेकिन अगर वो डर नहीं, अब सोचता कि नहीं, अगर मैं वहाँ बोलूँगा हमारे पिताजी क्या सोचेंगे, हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे आस पड़ोस क्या सोचेंगे, तो वो चीज़ कभी वो नहीं कर पाता। कर पाता नहीं जहाँ सोच लेता, तो 1 मिनट, जब इतना वो बोल सकता है, इतना नॉलेज उसके पास है, तो इतना तो जरूर सोच सकता है वो बच्चा, क्योंकि वो मेच्योर है। 11 साल का बच्चा है,
11 साल काफी मेच्योर है, हम काफी लोग हिम्मत आज वाला है, और मेरा मानना है कि अगर उसको सही शिक्षा मिला और सही स्थान पे रहा तो ही कैन डू व्हाट ही वांट, कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि उसके माँ बाप इतनी शिक्षा दिए हैं या गॉड गिफ्टेड है वो? नहीं देखिए, उसका शिक्षा तो गार्जियन कुछ न कुछ कहा भी जाता कि फर्स्ट जो हमारा शिक्षक और गुरु, पहला पाठशाला हमारा घर होता है, और पहले जो गुरु होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं। तो कुछ न कुछ घर से मिला, कुछ न कुछ लोगों से सीखा, ऐसी बात नहीं है। और कुछ कहा भी जाता है गॉड गिफ्ट भी होता है। तो बिल्कुल तीनों चीज़ें मिला के उसके ऊपर उसके साथ है, और मेरा मानना है भगवान भी उनके साथ है। जब वो खुद इतना कर चाह रहा कि हम कर सकते हैं, हमें अगर अच्छा अच्छी शिक्षा मिली तो हम एक IAS, जो ऐसे करके उसका, बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे लोग पूछते भी हैं, नहीं IAS क्यों नहीं बनना है, तो नहीं मुझे IAS बनना है। तो उसका जो सोच है और जो जिस तरह से बात करता है, लोग पूछते हैं कि IAS बन के क्या करोगे, तो जो उसकी वर्डिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिक्षा, उसको अच्छी शिक्षा मिली तो वो अचीव कर सकता है, कर ही लेगा, कर नहीं सकता नहीं है, कर लेगा, 100% गारंटी है। लेकिन अभी पूरा छा गया है, सबके दिलों में राज कर रहा है, हाँ कोई ऐसा नहीं अभी है जो उसके खिलाफ अगेंस्ट में है, सब लोग नहीं, उसके अगेंस्ट में नहीं है, इसलिए इस लेकर के भी, क्योंकि वो जो वर्ड बोला है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, जो उसने बात कुछ बोली है, उसको लेकर के हमारा बिहार थोड़ा शिक्षा में पीछे हो जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल तो उसको लेकर के वो जो बात बोला है सोनू कुमार, तो उसके साथ, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, चाहे सरकारी हो। हर एक आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं डाल सकता है, क्योंकि हमारे बिहार के ज़्यादातर लोग खेती किसान किसान के वर्ग के लोग हैं, और लोग टोटली डिपेंडेंट हैं खेती के ऊपर। तो आइंदा कहीं ना कहीं कभी फसल अच्छी होती है तो बारिश नहीं हो, बारिश के चलते फसल बर्बाद, अनटाइमली बारिश के चलते फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं किसान वर्ग के लोग उस बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं अपने बच्चों को चाह करके भी, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, वो चीज़ें पास में पैसा नहीं हो पाता है। नहीं, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में वैसी शिक्षा नहीं है, वैसी व्यवस्था नहीं दी जा रही है क्या, हाँ इसलिए ये नहीं भी कर पा है, रहे हैं? ऐसे स्कूल कोई सा भी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस स्कूल में शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है, है नहीं है ना, नहीं इस है। कारण से नहीं कर, जो बच्चे प्राइवेट से पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वाले पीछे ही रह जा रहे हैं इस चीज में कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच से कोई उठ करके आया, इतना हिम्मत रखने वाला बच्चा। मेरा मानना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था सही हो जा सही रहता तो ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि स्कूल हम लोग भी पढ़ाई करते थे, उस एक ज़माना था तो टीचर अच्छे अच्छे हुआ करते थे, और क्लास भी लोग टाइमली क्लास भी अटेंड किया करते थे। अभी ऐसी बात नहीं है, बच्चे जा रहे हैं और उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि हाँ मतलब टाइम से आना है, टाइम से जाना है। इंक्लूडिंग टीचर्स भी ऐसे गलती कर देते हैं, टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं, और शिक्षा शिक्षकों की भी थोड़ी कमी के चलते भी थोड़ा शिक्षक शिक्षण का पठन पाठन जो है, अर्थव्यवस्था थोड़ा खराब हो गया है। तो अगर ऐसे ऐसे सोनू बहुत हैं, और अगर सारे लोग ऐसे इसके जैसे सारे लोग प्रयास करें, तो शायद हम भी, हमारा भी शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है ऊपर उठेगा, तभी हम और अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो कि हम लोग अपने अंदर से डर भगाना होगा, और दूसरी चीज़ कि हाँ, सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को डरा करके मत रखिए, बच्चे को अपना फ्रेंड बनाइए, अपने जैसे हम लोग फ्रेंड के साथ खुल करके बातें करते हैं वैसे अपने बच्चों के साथ करिए। डरा करके रखने से कुछ नहीं होता है, डरा करके रखने से कल ऐसा होगा कि आपका बच्चा गलती करेगा, वो आपसे बोलने से भी डरेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि
बच्चा को ऐसा बनाइए कि आप लोगों से अच्छे से खुल करके बातें कर सके। ऐसा ना हो कि आप लोग से अगर कुछ गलत कर भी लिया है तो बोलने से कि हाँ हमने किया है वो घबरा रहा है, नहीं बता सकते हैं, तो फिर आप लोग को ही इसमें नुकसान है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे हंसी क्यों आ रही। तो चलिए इस वीडियो का यही बैन करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।